आपके साथ रत्निका भदौरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। वॉच टावर पर हादसे के बाद भी नहीं लिया सबक, वीकेंड पर सुहाने मौसम में घूमने निकले सैलानी, बुर्ज पर जान जोखिम में डाल फोटो खींचे, पर्यटन स्थल पर भीड़ से ट्रैफिक जाम। बात कर रहे हैं गुलाबी नगरी की। जयपुर में रविवार को बारिश के बाद मौसम सुहाना रहा, वीकेंड पर सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी पर्यटन स्थलों पर निकल पड़े। इनमें नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, आमेर महल और जलमहल में पर्यटकों की संख्या ज्यादा रही। देर शाम हालात पर्यटकों की भीड़ से ऐसे हो गए कि आमेर और नाहरगढ़ किले पर जाने वाले रास्ते में वाहनों की लंबी लाइनें लग गई, ट्रैफिक जाम रहा। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि पिछले रविवार यानी 11 जुलाई को आमेर में वॉच टावर मूसलाधार बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 11 सैलानियों की जिंदगी खत्म होने के हादसे के बाद भी सैलानियों ने नहीं लिया सबक। खासतौर पर युवक युवतियों ने नाहरगढ़ किले पर बुर्ज पर चढ़कर जान जोखिम में डालकर फोटो और वीडियो शूट किए। वहीं बात आमेर की करें तो पिछले रविवार को मापते के सामने जिस वॉच टावर पर 7 दिन पहले हुआ था हादसा, वहां होमगार्ड के जवान तैनात होने से कोई भी पहाड़ी पर बनी छतरियों तक नहीं पहुंच सका। लेकिन आज आसपास के लोग और सैलानी आमेर में बनी पहाड़ी और दूसरे वॉच टावर पर मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। पर्यटन स्थल पर पुलिस भी पर्यटकों को बुर्ज पर चढ़कर स्टंट दिखाने के रोकने में नाकाफी नजर आई। सुबह हुई बारिश के बाद दिनभर बादलों के बरसने का होता रहा इंतजार। राजधानी जयपुर में शनिवार रात को बरसात हुई, इसके बाद रविवार सुबह 7 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ। अलग अलग जगहों पर करीब 1 घंटे तक बारिश हुई, लेकिन सुबह करीब 9 बजे के बाद बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी। दिनभर बारिश का इंतजार होता रहा, हालांकि सुबह बारिश आसमान में बादल छाए रहने की वजह से मौसम में ठंडक बनी रही, लेकिन दिन भर उमस से लोग परेशान होते रहे। राजस्थान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बनने की संभावना है, इस असर से बारिश में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना अगले 3-4 दिनों तक बनी रहेगी। 18 व 19 जुलाई को साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का सबसे ज्यादा असर पूर्वी राजस्थान में रहेगा। इस दौरान कई जगहों पर भारी से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में भी बीकानेर व जोधपुर संभाग के कुछ जगहों पर बारिश होगी। इसके अलावा अगले 3-4 दिन तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, वहीं कहीं कहीं वज्रपात होने की संभावना है। इसी तरह की न्यूज अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज।